नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं आज के कुछ बड़ी खबरों पर। झाबुआ क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव वैसे तो कम है, किंतु यह देखने में आ रहा है कि जन सामान्य में कोरोना के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है। अनेक अवसरों पर देखा गया है कि सामान्य जन ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जबकि यह स्थापित तथ्य है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से बचाव का एकमात्र कारगर उपाय है। क्षेत्र में लोगों को यही संदेश देने के लिए स्थानीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने आज बस स्टैंड फब्बारा चौक तथा राजवाड़ी पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभिनव प्रयास किया। प्रत्येक स्थान पर लगभग आधे घंटे के नुक्कड़ नाटक में 25 छात्र छात्राओं के समूह ने कोरोना के लक्षण तथा उससे बचाव के तरीके अत्यंत ही रोचक तरीके से बताए। इस आदिवासी अंचल में अब भी सामान्य बीमारियों में झाड़ फूक तथा टोने टोटके का सहारा लिया जाता है। अतः नुक्कड़ नाटक में इस बात का विशेष जोर दिया गया कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर झाड़ फूक या टोना टोटके में समय नष्ट करने के बजाय तत्काल चिकित्सकीय सहायता के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कि झाड़ फूक तथा टोने टोटके के चक्कर में समय नष्ट करने से कई बार विलम्ब हो जाता है, जिससे चिकित्सकीय सहायता में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह में बिना मास्क के व्यक्तियों को मास्क का निःशुल्क वितरण भी किया गया। क्षेत्र में कोरोना को लेकर बढ़ रही लापरवाही के कारण भविष्य में विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक मास्क का उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग इस महामारी से बचाव का एकमात्र मंत्र है। इस महामारी के प्रति जागरूकता की कमी को देखते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत संस्था के छात्रों को इस प्रकार का अभियान चलाने के लिए प्रेरित किया गया है। उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटक का सफल मंचन छात्र छात्राओं द्वारा किया गया है।